नमस्कार वर्तमान मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात जरिया देश विदेश श्रोता मन कथा बांटी लोकसभा निर्वाचन पूर्व यह शेष मन की बात कार्यक्रम निर्वाचन प्रक्रिया आगामी तीन मास मन की बात प्रसारण बंद रही यार 110वां अध्याय प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ति को प्रणाम कर ड्रोन दीदी मत विनिमय कर श्री मोदी कहते आउ किछ दिन परे मार्च 8 तारीख में अंतर्जातीय महिला दिवस पालन करा जिबो। भारतर नारी शक्ति आज सब क्षेत्र में अग्रणी रही अन्यपक्ष देशर नुआ भोटर मानकु विपुल संख्यार मतदान करने को प्रधानमंत्री मोदी निवेदन करिछन्ति। चलित थर प्रथम थर पर मतदाता तालिका रे स्थान पाई भोटर मैंने अधिक संख्यार भोट देवाक आगे आसवा उचित युवावर्ग अधिक भागीदारी द्वारा गणतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो प्रधानमंत्री कहते वाहन की स्पीड और दूसरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। देश के कई टाइगर रिजर्व में इसका उपयोग हो रहा है। महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व के पास खटकरी गांव में रहने वाले आदिवासी परिवारों ने सरकार की मदद से अपने घर को होम स्टे में बदल दिया है। ये उनकी कमाई का बहुत बड़ा साधन बन रहा है। इसी गांव में रहने वाले कोरकू जनजाति के प्रकाश जामकर जी ने अपनी 2 हेक्टेयर जमीन पर 7 कमरों वाला होम स्टे तैयार किया है। अपने घर के आसपास उन्होंने औषधीय पौधों के साथ आम और कॉफी के पेड़ भी लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में कलाहांडी जिलार छेली पालन विषय सालभेटा गांव श्रीमती जयंती महापात्र बीरेन साहू छेली पालन कर किभली अन्य मानक प्रेरणा साजिछन्ति से विषय प्रधानमंत्री कथा होइछन्ति। छेली पालन अनेक लोकों जीवन और जीविका रे सुधार आनी श्री मोदी उल्लेख करिछन्ति। बकरी पालन से भी जुड़े हुए हैं। ओडिशा के कालाहांडी में बकरी पालन गांव के लोगों की आजीविका के साथ साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात द्वारिका ठारे 4000 कोटी अधिक टंका एकाधिक प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास करिछन्ती। एसब प्रकल्प मध्यरे समुद्र सेतु रेल लाइन ड्रेनेज व्यवस्था शिक्षा और गवेषणा केन्द्र सड़क प्रकल्प और जलसेचन प्रकल्प सामिल रही। कार्यक्रम को संबोधित कर प्रधानमंत्री कहिछन्ती देश में पूर्व हजार हजार कोटी टंकार दुर्नीति होता एवं देशर द्रुत विकास होउछि। भारत आज विश्वर पंचम सर्वबृहत अर्थव्यवस्था में परिणत होउछि। देख रहा तो कितनी ही पुरानी बातें भी याद आ रही है। पहले द्वारका और बेट द्वारका के लोगों को श्रद्धालुओं को फेरी बोट पर निर्भर रहना पड़ता था। पहले समंदर और फिर सड़क से लंबा सफर करना पड़ता था। यात्रियों को परेशानी होती थी और अक्सर समंदर की ऊंची लहरों के कारण कभी कभी बोट सेवा बंद भी हो जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशर सबुठारु लंबा केबुल पोल सुदर्शन सेतु को उद्घाटन करिछन्ती। अरब सागर पर निर्मित यह सेतु गुजरात मूल भूखंड सह बेट द्वारका को संयोग करुछी। सुदर्शन सेतु निर्माण द्वारा भगवान कृष्ण का नगरी तथा चारिधाम मध्यरु अन्यतम द्वारका धाम को यातायात सुगम हेबो। सेतुर लंब 2 किलोमीटर 320 मीटर 978 कोटी टंका व्यय एक निर्माण करा जाएगी। सेतुरे भगवत गीतार श्लोक और श्रीकृष्ण चित्र अंका जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी सुदर्शन सेतु उद्घाटन करिबा परे द्वारकाधीश मंदिर रे पूजार्चना करथिले एवं शंकराचार्य को साक्षात करथिले। एहा छडा प्रधानमंत्री समुद्र रे बुड पकाइ प्राचीन द्वारिका नगर को मध्य दर्शन करथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गायत्री परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ कार्यक्रम को संबोधित करिछन्ती। गायत्री परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ एक भव्य सामाजिक अभियान रे परिणत होइछि। लक्षाधिक युवकों निशा ठारु दूरेइ रखिबा एवं राष्ट्र निर्माण गतिविधि सह जोडिबारे गायत्री परिवार रो भूमिका को प्रधानमंत्री प्रशंसा करिछन्ती। विकसित और आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य हासिल करिबारे युवावर्गों गुरुत्वपूर्ण भूमिका उपरे से आलोकपात करिछन्ती। से भी इस कार्यक्रम से जुड़ने पर
एक समस्या ये थी कि सामान्य मानवी अश्वमेध यज्ञ को सत्ता के विस्तार से जोड़कर देखता है। आजकल चुनाव के इन दिनों में स्वाभाविक है कि अश्वमेध यज्ञ के कुछ और भी मतलब निकाले जाते, लेकिन केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज संबलपुर जिला जुजुमुरा ठारे शहीद मधु गड़त्या प्रतिमूर्ति उन्मोचन करिछंती। ए अवसर रे आयोजित सभा रे उद्बोधन दे श्री प्रधान कहिछंती, शहीद मानक वीरत्वर पराकाष्ठा जोगु इंग्रेज सरकार देश छाड़ीबाकु बाध्य होइतिले। मधु गड़त्या भली लुकायत वीर शहीद मानक वीरत्व गाथा को लोकलोचन को आणिबाकु ऐतिहासिक मानक केन्द्रमंत्री साधुवाद जणाइथिले। कार्यक्रम रे शहीद मधु गड़त्या वंशज और स्मृति कमिटी कर्मकर्ता माने अग्रणी अंचल थिला, आज इतिहास रे पृष्ठा को लौटाइले ये प्रमाणित होउचि घे जमीदार परिवार हो माधव सिंह कर संपूर्ण परिवार हो वीर सुरेंद्र साईं के नेतृत्व रे ये अंचल लड़ाई करथिबा अखंड संग्राम रो कथा हो। 2024-25 शिक्षा वर्ष पर देश के विभिन्न विद्यालय नामलेखा प्रक्रिया आरंभ होई। केवल 6 वर्षर अधिक बयस पिला प्रथम श्रेणी में नाम लिखा शिक्षा मंत्रालय पक्षर सबू राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश को चिठी लिखि अनुरोध कर जातीय शिक्षानीति और मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा अधिकार आईन अनुजाई छात्र छात्री बयस सीमा को दृष्टि रखि नाम लिखा चिठी कई। भारत इंग्लैंड मध्य रांची ठारे चलिथिबा चतुर्थ टेस्ट रे भारत प्रथम इनिंग्स 307 रन करी ऑल आउट होई जाइछि। प्रथम इनिंग्स 46 रन अग्रणी हासिल करथिबा इंग्लैंड द्वितीय इनिंग्स रे बैटिंग विपर्जय रे शिकार होईछि। शेष खबर सुद्धा भ्रमणकारी दल 135 रन रे 8 विकेट हराइ संकट रे पड़िछि। द्वितीय इनिंग्स रे भारत पक्षर अश्विन 4टी एवं कुलदीप यादव 2टी विकेट नेछन्ते। आसंता 3 दिन पर्यंत राज्यर अधिकांश स्थान में खड़गड़ी सह वर्षा होने भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। आज अपराह्न में पश्चिम उपकूल एवं आभ्यंतरीण ओडिशार किछि जिले में घड़घड़ी सह वर्षा पर चेतावनी दिया जाइछि। वर्तमान पर मुख्य समाचार को एठी रखुछु, नमस्कार।